मार मार कर मोर बनाने वाली बिग बॉस 16 फेम अर्चना गौतम आज खुद ही मोर बन गई हैं। लगता है आप समझे नहीं, दिमाग पर जोर न लगाइए, चलिए हम समझा देते हैं। कभी कांग्रेस की प्रत्याशी रही अर्चना गौतम पर पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। राज्य इकाई की अनुशासन समिति ने एक आदेश में कहा, अर्चना गौतम को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस की यूपी की अनुशासन समिति के सदस्य श्याम किशोर शुक्ला ने अर्चना गौतम को निष्कासित करने का लेटर जारी किया। इसमें लिखा कि अर्चना गौतम को अनुशासनहीनता को लेकर इस साल 31 मई को पत्र भेजा गया था, जिसमें एक हफ्ते के अंदर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं देने पर ये एक्शन लिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि अर्चना गौतम पर ये कार्रवाई हुई तो हुई क्यों? ये आदेश ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले अर्चना गौतम और उनके पिता के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया था। दरअसल अर्चना शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से मिलने पहुंची थी। वहां उन्होंने पार्टी से जुड़े लोगों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं के साथ उनकी तीखी झड़प भी हुई। अभिनेत्री के मुताबिक वो पिछले हफ्ते संसद में महिला विधेयक पारित होने पर बधाई देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना चाहती थी। बता दें कि अर्चना गौतम 2022 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में खड़ी थी। यूपी की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। अर्चना गौतम बीते साल बिग बॉस 16 में भी नजर आई थी और इसी शो से उनकी फैन फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा हुआ। ऐसे में कांग्रेस से 6 साल के लिए निलंबन उनके फैंस के लिए बुरी खबर है।